बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, रविंद्र सिंह भाटी आज पहुंचेंगे एसपी ऑफिस। ट्वीट करते हुए एसपी ऑफिस पहुंचने की रविंद्र सिंह भाटी ने जानकारी दी। ट्वीट करते हुए कहा, मेरे समर्थकों के साथ अन्याय हुआ, उसी के विरोध में आज एसपी ऑफिस पहुंच रहा हूं। आपको बता दें, कल ही इस सीट पर काफी बवाल हुआ था। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं कई जगह पर हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। ऐसे में आज रविंद्र सिंह भाटी एसपी ऑफिस पहुंच रहे हैं। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, रविंद्र सिंह भाटी आज पहुंचेंगे एसपी ऑफिस। ट्वीट करते हुए एसपी ऑफिस पहुंचने की रविंद्र सिंह भाटी ने जानकारी दी। ट्वीट करते हुए कहा, मेरे समर्थकों के साथ अन्याय हुआ, उसी के विरोध में आज एसपी ऑफिस पहुंच रहा हूं। आपको बता दें, कल ही इस सीट पर काफी बवाल हुआ था। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं कई जगह पर हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। ऐसे में आज रविंद्र सिंह भाटी एसपी ऑफिस पहुंच रहे हैं। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, रविंद्र सिंह भाटी आज पहुंचेंगे एसपी ऑफिस। ट्वीट करते हुए एसपी ऑफिस पहुंचने की रविंद्र सिंह भाटी ने जानकारी दी। ट्वीट करते हुए कहा, मेरे समर्थकों के साथ अन्याय हुआ, उसी के विरोध में आज एसपी ऑफिस पहुंच रहा हूं। आपको बता दें, कल ही इस सीट पर काफी बवाल हुआ था। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं कई जगह पर हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। ऐसे में आज रविंद्र सिंह भाटी एसपी ऑफिस पहुंच रहे हैं। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, रविंद्र सिंह भाटी आज पहुंचेंगे एसपी ऑफिस। ट्वीट करते हुए एसपी ऑफिस पहुंचने की रविंद्र सिंह भाटी ने जानकारी दी। ट्वीट करते हुए कहा, मेरे समर्थकों के साथ अन्याय हुआ, उसी के विरोध में आज एसपी ऑफिस पहुंच रहा हूं। आपको बता दें, कल ही इस सीट पर काफी बवाल हुआ था। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं कई जगह पर हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। ऐसे में आज रविंद्र सिंह भाटी एसपी ऑफिस पहुंच रहे हैं।